लक्ष्मीपति, आप ही की कृपा से हमें पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। आपने हिरणाक्ष का अंत करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया है, अपितु दानवों से देवताओं को एवं मानवों को भी भयमुक्त कर दिया है। अब ये दैत्य कभी देवताओं से युद्ध करने का विचार भी न करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, कटु सत्य प्रकट करने के लिए मैं विवश हूँ, और कटु सत्य यह है कि भयमुक्त होना आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है वही कह रहा हूं, और शेष सत्य यह है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूं। श्रीहरि, अब क्या होगा? जो विधाता चाहेंगे वही होगा। शाश्वत, सर्वकालीन और निराकार हूं। मैं ओंकार। असुरों ने आसुरी शक्तियों के आधार पर आसुरी गतिविधियों के प्रसारण के लिए सदा ही अन्याय, अनीति व अत्याचारों से पूर्ण कार्य किए, किंतु दिव्य शक्तियां सदा ही उनके मार्ग में अवरोधक रहीं। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल लोक भेजकर तथा उसके चारों ओर मलव विष्टा का प्रसार करके ये मान लिया कि अब कोई देव शक्ति पृथ्वी का उद्धार नहीं कर सकेगी, किंतु तामसिक शक्तियों पर दिव्य शक्तियां सदा ही विजयी रही हैं। श्री हरि विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह। माता, ये जय जयकार आपके आशीर्वाद का फल है। तुम्हारा शौर्य और पराक्रम फलित हुआ है पुत्र। अब मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब तुम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करोगे। हिरण्याक्ष की पुकार। माता हिरण्याक्ष, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? आपका वध किसने किया? सुन रहे हो पुत्र हिरण्यकश्यप, ये सब विष्णु के दुष्कर्म है। सुना माता और समझा भी, ये विष्णु हम दैत्यों का जन्मजात शत्रु है। मैं उसे सदा सदा के लिए इस सृष्टि से ही मिटा दूंगा। मिटा नहीं होगा, अन्यथा हम तुम सब मिट जाएंगे। नहीं माता, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र
इस स्वर्ग की पुनः प्राप्ति भगवान शिव शंकर और श्री हरि विष्णु की कृपा से हुई है, अतः हमें उनकी जय जयकार करनी चाहिए। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, श्री हरि विष्णु की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। शिव इच्छा के अनुसार श्री हरि विष्णु ने वाराह रूप धारण करके दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया तथा देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और दैत्यों में निराशा की भावना व्याप्त हुई। समय व्यतीत होने के साथ साथ दिति ने होलिका को जन्म दिया, किंतु न तो इससे दिति ही प्रसन्न हुई और न ही उसका भ्राता हिरण्यकश्यप, क्योंकि उसके मन में देवताओं के प्रति प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। धिक्कार है तुम पर। माता, मत कहो मुझे मां, तुम मेरे पुत्र कहलाने के योग्य हो ही नहीं। तुमने दैत्य जाति को लज्जित ही नहीं कलंकित भी किया है। मैंने कलंकित किया है दैत्य जाति को? हाँ हाँ तुमने, देवताओं ने और देवताओं के हित चिंतक उस विष्णु ने तुम्हारे बड़े भ्राता हिरण्याक्ष को पाताल साम्राज्य से और तुम्हें स्वर्गलोक के साम्राज्य से वंचित कर दिया और तुम कुछ नहीं कर सके। उस छली कपटी विष्णु ने तुम्हारे भाई का वध कर दिया, तब भी तुम कुछ नहीं कर सके। अरे ये कैसी विडंबना है कि दैत्य जाति की संतान होकर भी तुम अपने भाई के वध का प्रतिशोध भी नहीं ले सके। तुमने सबको चुपचाप सहन कर लिया। नहीं माता नहीं, मैंने चुपचाप कुछ भी सहन नहीं किया है। मैं अपने भीतर ही भीतर छटपटा रहा हूँ, अपने इस पराजय के अपमान से तड़प रहा हूँ माता। अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इन देवताओं से अपना प्रतिशोध कैसे लूँ। माता कृपया आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं दिखाऊं मार्ग? तो सुनो पुत्र, असुरों को एकत्रित कर और अपनी शक्ति बढ़ा, पृथ्वी पर फिर से दैत्य जाति का एक छत्र राज्य स्थापित करो, तत्पश्चात स्वर्ग पर आक्रमण करो, इंद्र से उसका सिंहासन छीनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर। मैं जानती हूं मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हारे अंदर अपरिमित बल और शक्ति छिपी हुई है, इसलिए जब भी तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ शत्रु पर आक्रमण करोगे तो वो तुम्हारे सामने अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की, दैत्यराज की जय हो। जय हो माता। ध्यान दे दैत्यराज हिरण्यकश्यप, ध्यान दे कि पर्वतों, पृथ्वी और पाताल के कोने कोने में छिपी हुई असुर सेना आपकी सहायता और सेवा के लिए आपके राज्य में एकत्रित हुई है, इसलिए आप पुनः पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। दैत्यराज अपना साम्राज्य स्थापित करें। सेनापति दुंदुभिनिनाद, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम छिपे हुए असुर सैनिकों को अपने साथ लेकर आए हो। अब हम मिलकर शीघ्र ही पृथ्वी पर दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे और अपने शत्रुओं से अपनी पराजय का प्रतिशोध भी ले सकेंगे। जाओ दैत्यराज हिरण्यकश्यप का तिलक करो। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। मुझे आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके आपकी आत्मा को सुखी कर सकूं। तुम्हारी माता का आशीर्वाद सदा तुम्हें शक्ति देगा। पृथ्वी विजय कर शीघ्र ही लौटना और अपनी माता की आत्मा को शांत करना पुत्र। प्रणाम माता। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय, महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय।
लक्ष्मीपति, आप ही की कृपा से हमें पुनः स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त हुआ है। आपने हिरणाक्ष का अंत करके न केवल पृथ्वी का उद्धार किया है, अपितु दानवों से देवताओं को एवं मानवों को भी भयमुक्त कर दिया है। अब ये दैत्य कभी देवताओं से युद्ध करने का विचार भी न करेंगे। नारायण नारायण। देवराज, कटु सत्य प्रकट करने के लिए मैं विवश हूं, और कटु सत्य यह है कि भयमुक्त होना आपके भाग्य में लिखा ही नहीं। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? जो सत्य है वही कह रहा हूं, और शेष सत्य यह है कि हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असुर सेना के साथ निकल पड़ा है। मैं प्रत्यक्ष देखकर आ रहा हूं। श्री हरि, अब क्या होगा? जो विधाता चाहेंगे वही होगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने देव और दैत्यों का संघर्ष सदा सदा के लिए विधि के विधान में लिख दिया है, इसलिए आपको तो सदा ही दैत्यों से संघर्ष के लिए तत्पर रहना चाहिए। आपकी कृपा होते हुए भी हमें ये कष्ट और पीड़ा भोगनी होगी। देवराज, विधि के लेख को मिटाना तो हमारे वश में भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं, दैत्य शक्ति जब चरम सीमा पर आ पहुंचेगी तो देव रक्षक और धर्म रक्षक होने का अपना कर्तव्य हम अवश्य पूर्ण करेंगे। प्रभु, दैत्य शक्ति की चरम सीमा के आने तक हम क्या करें? धैर्य पूर्वक संकटों का सामना करना ही एकमात्र उपाय है देवराज, परंतु इतना ध्यान रहे कि आप धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य ना करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपका पक्ष दुर्बल हो जाएगा, और आपके पक्ष के दुर्बल होने पर हम आपकी अपेक्षित सहायता नहीं कर सकेंगे। क्यों नारद, तुम क्या कहते हो? नारायण नारायण, आपके कहने के पश्चात मेरे लिए क्या कहना शेष रह जाता है श्री हरि? किंतु इतना अवश्य कहूंगा देवराज कि आप कायरता, कपट और क्रूरता से सदा दूर ही रहें तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा, और भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समुचित सहायता कर पाएंगे। श्री हरि विष्णु और आपके परामर्श का अवश्य ध्यान रखूंगा देवर्षि, आज्ञा दें। श्री हरि, भगवान भोलेनाथ ने मुझे संकेत दिया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये दोनों भाई आपके आगामी दो अवतार होने के लिए कारण बनेंगे। इन दोनों अवतारों में से 12 अवतार ये तो आप धारण कर ही चुके हैं, किंतु आप दूसरा अवतार कब धारण करेंगे? नारद, तुम सारे जगत को धैर्य धारण करने का उपदेश देते हो और स्वयं अधीर हो जाते हो। धैर्य धरो, वो समय अभी दूर है